तो अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 20, 21 या फिर 22 तारीख को, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाए एग्ज़ाम हॉल में कि आपको एग्ज़ाम देने को ना मिले, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब भी हो सकता है, या फिर आपका बहुत टाइम लग सकता है। इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसे ही आपका एग्ज़ाम वहाँ पर ख़त्म होता है, चाहे कोई भी शिफ्ट का हो, आपको सबसे पहले रिव्यू यहीं पर देखने को मिल जाएगा। मैं वीडियो फॉर्म में यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, पूरा सॉल्यूशंस और एडवाइस, जो भी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसा पेपर आ रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका पूरा पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन मिलते रहें। अब शुरू करते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये आप लोगों का इंडियन कोस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड है, और इसी एडमिट कार्ड में आप अगर आप नीचे देखेंगे तो लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे बढ़ूँगा इंस्ट्रक्शंस, तो और महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऐड होते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जल्दी से आपको इंस्ट्रक्शन से बताता हूँ, ठीक है। कैंडिडेट्स विल हैव टू ब्रिंग सेम ई एडमिट कार्ड, यानी कि आपको यही एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। स्टेज 1, 2 और 3 जितनी भी आपकी स्टेजेस होंगी, सब में आपको यही एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। फिर है कि आपका एडमिट का अगर जो आप अगर डेट और सेंटर चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज नहीं होगा। किसी भी तरह का फ़ोन, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है। और फिर अगला पॉइंट है 7th नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में ले जानी स्टेज 1 में, वो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए। वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज़ पर ई एडमिट कार्ड एप्लीकेशंस। तो जो भी आपके ई एडमिट कार्ड में मेंशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप एडमिट कार्ड अपना देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटो आईडी कार्ड दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे कि ये जो स्टूडेंट का है उसने आधार कार्ड नंबर एंटर किया, तो आपने भी कुछ हो सकता है आधार कार्ड डाला हो या फिर पैन कार्ड डाला हो, तो जो भी आपने एंटर किया है वही आपको वहाँ पे लेके जाना है। और उसका ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपको उसको फ़ोटो कॉपी करा के नहीं ले जाना है, आपको उसका ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे ले जाना है। दूसरा पॉइंट है एक कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है उसका कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा के ले जाना है, ब्लैक एंड वाइट नहीं, कलर्ड, ठीक है। फिर अगला पॉइंट ये है कि दो पास, और अगर आपने देखिए अगर ब्लैक एंड वाइट निकलवा लिया, अगर आपका कल सुबह एग्ज़ाम है तो पैनिक नहीं होना आपको, आप वही एडमिट कार्ड लेके जाइए। लेकिन अगर आपने नहीं निकलवाया तो आपको कलर्ड निकलवा के जाना है, ठीक है। और दो पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ आपको लेके जानी, जो फोटोग्राफ आपकी एडमिट कार्ड में लगी हुई है वही लेके जानी है। क्यों? अभी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो आपकी फ़ोटो लगी होगी उसके जस्ट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपको एक फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। अभी नहीं चिपकाना है, एग्ज़ाम हॉल में ही आपको बोला जाएगा, इन्विजिलेटर आएगा चिपकाने के लिए और वो साइन करेगा, तभी उसी के सामने ही आपको यही वाला फ़ोटो जो आपने एडमिट कार्ड में अभी आप दिख रहा होगा वही आपको लेके जाना है। फिर यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नोट में ये लिखा है कि आपको पेन, पेंसिल, पेपर कुछ लेके नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी कि आपको पेन भी नहीं लेके जाना है, पेंसिल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको राइटिंग मटेरियल मिलेगा, पेन और पेपर रफ वर्क करने के लिए आपको पेपर भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पेन, पेंसिल, ये सब कुछ लेके नहीं जाना है, सिर्फ सारा चीज़ वहाँ पर आपको मिलेगा। सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पर आपको स्टेज 1 में लेके जानी है, आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एक कलर्ड फोटो एडमिट कार्ड ले जाना, एडमिट कार्ड तो बिल्कुल कंपलसरी होता है हर एग्ज़ाम में, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपने एडमिट कार्ड में लगा रखी हैं वो। फिर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, एग्ज़ाम ड्रेस कोड, यानी कि क्या क्या आपको ड्रेस पहन के जानी है, क्या अलाउड नहीं है, क्या अलाउड नहीं, देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो जूते पहन के नहीं जाना है, स्लीपर, सैंडल, यानी कि चप्पल या फिर सैंडल ही आपको पहन के जाना है, नहीं तो आपके जूते उतरवा दिए जाएंगे बाहर, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपके पास चप्पल अगर नहीं पहन के जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर आपको बाहर उतरवा दिए जाएंगे। फिर आपको हाफ कोई टी शर्ट पहन के जानी है, ऐसे फुल स्लीव वाली टी शर्ट शर्ट ऐसा कुछ पहन के नहीं जाना है, बिकॉज यहाँ पे साफ लिखा हुआ है वो परमिटेड नहीं है, तो ठीक है। तो हाफ टी शर्ट या फिर हाफ शर्ट आपको पहन के जानी, कुछ भी हाफ होना चाहिए, ठीक है, और लार्ज बटन नहीं होना चाहिए। फिर आगे दिया है कि दोज, और फिर कोई इंपॉर्टेंट नहीं। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर गाइडलाइंस जो दी हुई हैं वो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है ओनली एडमिट कार्ड, फोटो आईडी कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन विल बी अलाउड इनसाइड एग्जाम सेंटर, यानी कि एग्जाम सेंटर में सिर्फ 3 चीज़ें लेके जानी हैं, एडमिट कार्ड कलर्ड वाला, फोटो आईडी कार्ड ओरिजिनल वाला, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो एडमिट कार्ड वाली हैं वो, ठीक है, बस। और आपको रिस्ट वॉच यानी कि घड़ी पहन के भी नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि इसके एक तो ये रीज़न है कि वहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे टाइमर चलता रहता है, आपको एकदम एक्यूरेटली पता लगता रहेगा कि कैसा आपका कितना टाइम बाकी है किस सेक्शन में। अभी मैं आपको लास्ट में टिप्स भी दूंगा कि किन किन चीज़ों का आपको मेरे हिसाब से आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप अच्छा वहाँ पर स्कोर कर सकते हैं,
ठीक है, मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा अभी। और फिर आगे हम देखें तो ये पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स ऐसा कुछ लेकर नहीं जाना है, ब्लैंक पेपर रफ वर्क के लिए आपको मिलेगा। और उस रफ जो ब्लैंक पेपर मिलेगा उसमें आपको ऊपर अपना हॉल टिकट नंबर लिखना होगा और अपना नाम लिखना होगा, नेम एंड हॉल टिकट नंबर, क्योंकि वो जो रफ पेपर होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा वहीं पे। फिर यहाँ पे उसके नीचे COVID-19 के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो ये हैं कि आपको सारी जो गाइडलाइंस है फॉलो करनी है। एग्ज़ाम हॉल में मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइज़र लेके जाना है, मास्क कंपलसरी। अभी हम देखेंगे उस पर ही अगला पॉइंट है हमारा। बिफोर एंटरिंग द एग्ज़ाम हॉल, यानी कि एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले, ऑल कैंडिडेट मस्ट फिल द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के सबको जाना होगा। अभी कहाँ पे ये एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जब सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे अपने एडमिट कार्ड में, तो आपके एडमिट कार्ड में ही सबसे नीचे सेक्शन है सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19। तो इसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, इसको भर के ले जाना है। क्या क्या चीज़ें भरनी है आपको मैं दिखा देता हूँ, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। बस यहाँ पे जो बोला गया है कि आपको क्या लक्षण है, क्या आपको बुखार है, क्या खांसी है, क्या आपको सांस लेने में दिक्कत है, क्या गले में खराश है, या फिर कुछ और है, तो वो आप बताइए। येस या नो में आपको टिक करना है, तो जाहिर सी बात है आपको नो में ही टिक करना पड़ेगा। अगर आप में ऐसा कुछ लक्षण नहीं है तो आप नो नो ऐसे सब में टिक करेंगे। फिर आखिर में कि अगर आप किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए क्या जिसका COVID-19 हुआ, तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए, क्योंकि आपको क्या पता आप किसके कॉन्टैक्ट में, अगर आए हैं तो येस पे कर सकते हैं, नहीं तो नो पे आपको क्लिक करना है सब में। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप यस में क्लिक करेंगे तो फिर आपका पूरा वो जांच करेंगे कि आप में क्या क्या कमी है। ठीक है, तो नो पे आपको क्लिक करना है, सिग्नेचर यहाँ पे करना है, डेट लिखना है और प्लेस लिखना है आपको। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा डेट प्लेस कौन सा लिखना है, तो सिंपल आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, अपना सिग्नेचर कर दो, बस डेट प्लेस खाली छोड़ दो। जैसा वो वहाँ पर बताएंगे कि कब का डालना है, मतलब कि डालना है, तो एक्चुअली जब आप भर रहे हो फॉर्म, जैसे कि मान लो अभी भर रहे हो तो घर में भर रहे हो, तो आज का डेट और प्लेस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर भरोगे तो वहाँ पर डाल देना, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आएगा। बस इसको निकाल के वहाँ पर आपको के जाना है, कंपलसरी है। फिर ये है कि अपने रिपोर्टिंग टाइम जो भी आपका मेंशन है उस पर जाना है, और वो आपका मेंशन होगा कि किस टाइम आपको जाना है। और मैं फिर से आपको बता दूं कि इस हल्के में मत लीजिएगा कि आपने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था और आप लेट एग्ज़ाम में पहुंचे थे तो आपको भी एंट्री मिल गई थी, इसमें मिल जाएगी। कहीं कहीं सेंटर्स पर नहीं मिलती एंट्री, रूड होते हैं थोड़े से, इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले एग्ज़ाम वहाँ पर जाके पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ से टाइम से निकलना है आपको, जहाँ से भी आप निकल रहे हैं, घर से या फिर कहीं से भी। कैंडिडेट्स आर टू स्टैंड ऑन दी मार्क, वो सब वहीं पे आपको खड़ा होना पड़ेगा जहाँ पे उनको वो बोलते हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कैंडिडेट्स मस्ट पुट ऑन फेस मास्क थ्रू आउट द एग्ज़ाम प्रोसेस, यानी पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस में, यानी कि जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको फेस मास्क लगाना कंपलसरी होगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि मास्क लेके जाना है आपको, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मास्क लेके जाना है, और हो सके तो सैनिटाइज़र भी आपको लेके जाना है। ठीक है, सैनिटाइज़र उतना ही मस्ट तो नहीं है, लेकिन मास्क तो मस्ट है। ठीक है, क्योंकि दो दो जगह लिखा गया ऊपर फोर्थ नंबर पॉइंट में, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फेस मास्क और सैनिटाइज़र दोनों आपको ये चीज़ लेके जानी है। फिर यहाँ पे प्रोटोकॉल लिखा हुआ है कि जैसे कि 7:30 बजे आप एंटर करेंगे आप फर्स्ट शिफ्ट के, अगर आप सेकंड शिफ्ट के 11:30 बजे, अगर आप थर्ड शिफ्ट के हैं तो 2:45 बजे, फिर आप रूम में एंट्री करेंगे तो आपका रूम जो है आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर आपका कम है बॉडी टेम्परेचर तो एंटर किया करने दिया जाएगा, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको थोड़ा अलग लेके जाया जाएगा, और आपको थोड़ा सा जैसे कि 20 मिनट बाद, फिर 15-20 मिनट बाद चेक किया जाएगा। अगर आप नॉर्मल हो गए तो फिर जाने दिया जाएगा, अगर नहीं भी नॉर्मल हुए बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा ही रहा तो भी आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, ऐसा नहीं आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब है चाहे कम टेम्परेचर है, चाहे ज़्यादा है, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, एग्ज़ाम देने को तो मिलेगा, यानी कि अलग से आपको बिठा के आइसोलेशन में एग्जाम दिलवाया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं आप इसको। कैंडिडेट्स आर टू डिस्प्ले एडमिट कार्ड वैलिड आईडी प्रूफ फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ आपको लेके जानी है। दो चीज़ें वेरिफिकेशन में लगेंगी, एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ, और फोटो लेके जाना है ताकि वहाँ पे आपको पेस्ट करने के लिए बोलेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, और बाकी चीज़ें यही हैं कि वो आपके लिए नहीं, इन्विजिलेटर्स के लिए। ठीक है, और बस ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ आपका एडमिट कार्ड खत्म हो जाता है। तो बस इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर सोचिए यही चीज़ आपको वहाँ पे पता चलती है, आप मास्क ना ले जाते या फिर आप वहाँ पे पेन लेके जाते रिस्ट वॉच, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं और आपको यही चीज़ करनी है, कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना है, जो जो चीज़ तीन चीज़ें बताई वो लेके जानी है, और इन सब इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है। अब टिप्स क्या रहेंगी, टिप्स मेरी यही रहेगी सबसे पहले कि जिनका आगे एग्ज़ाम है तो मैं पूरे शिफ्ट्स का रिव्यू डालने वाला हूँ, क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, अच्छे से आपको बताऊँगा कि जिनका आगे एग्ज़ाम है कैसे आपको क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि पैनिक नहीं करना है आपको, यानी कि ये आपको ये इमेजिन करके जाना है कि आपने सारी चीज़ पढ़ ली हैं, चाहे भले आपको कुछ छूटा भी हो। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी 100% प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम में नहीं जाता है। और आयरनी की बात ये है, मज़े की बात तो ये है कि सबको ये लगता है कि जो दूसरा बंदा है मुझसे, उसने सब कुछ तैयार कर लिया, बस मेरा ही तैयार नहीं है।
हालत सबकी वही रहती है, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। चाहे आपका जितना भी तैयारी हो, आपको ये इमेजिन करना है कि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है और इतनी तैयारी है कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से कट ऑफ तो पार कर ही लेंगे, ठीक है। और नहीं तो मेरे पास और भी कई कई सारे ऑप्शन हैं, तो उस पर भी मेरे पास ऑप्शन है, इस वजह से मुझे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरी चीज़ ये है, जो लोग को, हाँ सबसे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने मॉक टेस्ट निकाला अपनी वेबसाइट पे, उसके रिगार्डिंग अभी मैंने इस दोपहर में वीडियो भी डाला था ये बताने के लिए कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम के तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिंदी में भी एग्ज़ाम होगा। मॉक एग्ज़ाम है इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट में, उसको अटैम्प्ट करके ज़रूर से ज़रूर जाना, समझ रहे हो, उसको ज़रूर अटैम्प्ट करना। क्यों? क्योंकि उससे आप एकदम ढल जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वहाँ पर सब आपको नया ना लगे। खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया नहीं, उनके लिए तो मस्त है। उसका लिंक मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करके उस को वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना मॉक का। उस मॉक में जो भी आप पहले सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है वो दोपहर वाली वीडियो में देख लेना, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करना है आपको। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, पता लगेंगी। और इस समय में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, मतलब बिल्कुल नया नहीं, सिर्फ जो भी आपने नोट्स बनाए थोड़े बहुत कुछ भी, जल्दी जल्दी उसको रिवाइज़ कीजिए। और यूट्यूब में अगर आप रेफ़र भी कर रहे हैं, तो ये जो महामैराथन ये सब क्लास चलती हैं, मत देखना इनको। क्यों? क्योंकि ये 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे क्लास होती हैं, इससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं होने वाला। शॉर्ट वीडियोज़ कहीं से भी अगर आपको मिल सके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल से देखो, कहीं से भी मिले, कुछ नोट्स आपने बनाया, अगर आप वीडियोज़ नहीं देखना चाहते हैं एकदम हटा दो, साइड कर दो यूट्यूब को, कुछ मत देखो, सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज़ करो जो आपने पढ़ा है, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। जो अपने अपने हाथ से लिखा हुआ है वो आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, लंबे नोट्स पे ना जाएं कि पूरा हम रात भर बैठेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। इस एक टॉपिक को नहीं ख़त्म करना है पूरा दिन बैठ के, पूरा 2-3 घंटे का आपको ऐसा टारगेट रखना है, 2-3 घंटे मेरे 5-6 टॉपिक ख़त्म कर दूंगा इसके या फिर उसके, जिस जो भी आप और जो भी स्ट्रांग एरिया है उसको रिवाइज़ करना है। वीक एरियाज़ पर फोकस करने का टाइम नहीं है। अब जो भी आपने पढ़ रखा है उसको बार बार आप रिविज़न करें, ठीक है, और वो मॉक टेस्ट लगाना है और इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बस यही आप इस टाइम पीरियड में आपको करना है, और मैं अपनी तरफ से पूरा आपको रिव्यू दूंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, कमेंट सेक्शन में, परमार एयरफोर्स करके है, परमार एयरफोर्स एयरमैन नाम से आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, क्वेश्चन भी। धन्यवाद।